हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूटी जॉय सिरप के बारे में, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे इस सिरप को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूटी जॉय सिरप के बारे में। दोस्तों, यह सिरप जो होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के इलाज में करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो दोस्तों उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, यह सिरप जो होती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी प्राइस के बारे में, दोस्तों 100 ml सिरप आपको फार्मेसी पे 185 रुपये की आपको मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि यूटी जॉय सिरप में क्या क्या शामिल रहता है। दोस्तों, इस सिरप में क्रैनबेरी पाया जाता है, डीमेनोज पाया जाता है, पोटेशियम मैग्नीशियम सिट्रेट पाया जाता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें यूटी जॉय सिरप में पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, यूटी जॉय सिरप का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के इलाज में करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, दोस्तों इन सभी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगर पेशाब से बदबू आती है, पेशाब से धात आता है, दोस्तों उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगर किसी महिला को या किसी पुरुष को गुर्दे की पथरी हो गई है तो दोस्तों उस कंडीशन में यह सिरप जो होती है गुर्दे की पथरी को गलाने में काम करती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों, यूटी जॉय सिरप का इस्तेमाल 5 से 10 ml दिन में एक बार या दिन में दो बार लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। दोस्तों, इस सिरप से नौजिया, यानी कि आपका जी मिचला सकता है, ओमिटिंग यानी कि आपको उल्टियां हो सकती हैं, डायरिया, आपको दस्त भी हो सकते हैं, स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द हो सकता है, डिजीनेस, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट आपको लंबे समय तक दिखाई पड़ रहे हैं उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाके एक बार सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।